नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। और सबसे पहले बात करेंगे, लखीसराय जिले में स्थित परसामा गांव में करंट लगने से दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से सदर अस्पताल लखीसराय में भर्ती कराया गया। पीड़ित के पिता कन्हैया साहू ने बताया कि उनका पुत्र घर के छत पर खड़ा था, तभी अचानक रामदुलार 11,000 वोल्ट की करंट की चपेट में आ गया। बचाने के क्रम में दादा शिव नारायण भी करंट की चपेट में आ गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। ट्यूशन के दोनों आया है, दोनों का इलाज जारी है। और सर क्या स्थिति है सर दोनों की? स्थिति तो सीरियस है। अच्छा, एक का ज्यादा सीरियस है। क्या रेफर करेंगे? देख दिया जाएगा एक दो घंटा में जैसा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विश्वनाथ हैं फोन लाइन पर। विश्वनाथ, जो हादसे की वजह बताई जा रही है, कितनी सच्चाई है इसमें? क्या सच में लापरवाही की गई है बिजली विभाग के द्वारा? जी हाँ, बिजली विभाग के द्वारा लापरवाही बरती गई है, क्योंकि पीड़ित के परिजन ने बताया था कि छत से ऊपर 11,000 की तार लटक रहा है और कई बार बिजली विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाने के कारण आज ये हादसा हुआ। जी, दो इसमें जख्मी हुए हैं, उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? दोनों की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जो दादा हैं उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन जो युवक है उनकी स्थिति काफी खराब दिखाई दे रही है। जी जी विश्वनाथ, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि लखीसराय की घटना है, जहां करंट लगने से दो लोग बुरी तरह जख्मी हो गए और दोनों रिश्ते में दादा पोता हैं, जिसकी वजह से जो हादसा हुआ है आरोप लग रहा है बिजली विभाग पर, क्योंकि बिजली विभाग की लापरवाही से ही इतना बड़ा हादसा हो गया। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।